कहते हैं इंसान का हौसला बुलंद हो तो कुछ भी कर गुजरना नामुमकिन नहीं होता। ऐसा ही एक मामला सोनभद्र में देखने को मिला है, जहां बालिका संरक्षण गृह में 2016 में निशु संरक्षण देने के लिए आए, परंतु 18 वर्ष पूरा करने के बाद निशु को उसके परिवार में वापस भेज दिया गया। निशु के परिवार में माता पिता का निधन पहले ही हो चुका है और पिता शारीरिक रूप से दिव्यांग है, जिसकी वजह से पिता ने अपनी बेटी को अपने साथ घर रखने से मना कर दिया। पिता का मानना है कि बेटी को रखने के बाद सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संकट की वजह से वह उसकी सुरक्षा और परवरिश नहीं कर पाएंगे। जबकि निशु का भी मानना है कि वह पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। इतना ही नहीं, निशु इस समय कक्षा 10 की पढ़ाई कर रही है। इसके साथ ही निशु बालिका संरक्षण गृह में रहते हुए 4th क्लास कर्मचारी के पद पर भी कार्य कर रही है। इतना ही नहीं, एक तरफ जहां कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों के पास मास्क का अभाव है, वहीं नीतू ने 1000 मास्क बनाकर जिला अधिकारी को देने का निर्णय किया है और अब तक लगभग 600 मास्क बनाकर जिला अधिकारी को दिए जा चुके हैं। फेस मास्क बनाने में निशु जुटी हुई है और इस काम में उसका सहयोग अन्य स्टाफ के लोग भी करते हैं। निशु का कहना है कि वह पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है और घर पर रहकर यह काम संभव नहीं था, जिसको देखते हुए वह भी चाहती थी कि वह इस बालिका आश्रम गृह में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करे और अपने पैरों पर खड़ी हो। हालांकि इस संबंध में प्रवचन अधिकारी का कहना है कि 2016 में निशु बालिका गृह में आई थी और 18 वर्ष पूरे होने के बाद उसे CWUC के आदेश पर उसके घर भेजा गया, लेकिन उसकी मां ना होने और पिता के विकलांग होने के कारण पिता ने लड़की को घर पर रखने से इनकार कर दिया, जिसको देखते हुए रिसीव को पुनः CWC के आदेश पर बालिका आश्रय गृह में रखा गया है, जहां पर वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। यहां आपको बता दें कि मां की मृत्यु के बाद निशु को बालक गृह बालिका में रखा गया, क्योंकि निशु के पिता शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं और उनका कहना है कि सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से वह अपनी बेटी की सुरक्षा और भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से वह अपनी बेटी को अपने साथ नहीं रख सकते। इन समस्याओं को देखते हुए CWUC के आदेश पर निशु को पुनः बालिका गृह में रखा गया है। हालांकि इस बालिका गृह में रहते हुए निशु ने ना सिर्फ अपनी पढ़ाई का कार्य कर रही है, बल्कि सिलाई कढ़ाई बुनाई मिट्टी के खिलौने ब्यूटिशियन जैसे तमाम हुनर भी सीख रही है। इस बारे में प्रोबेशन अधिकारी AK वात्स्यायन का कहना है कि 2016 में निशु की मां की मृत्यु के बाद जोगी पिता शारीरिक रूप से दिव्यांग है, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब है और बेटे की सामाजिक सुरक्षा व आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उसने अपनी बेटी को अपने यहाँ रखने से इनकार कर दिया, जिसको देखते हुए मामले की जानकारी CWC को दी गई, जहां से निशु को पुनः बालिका गृह में रखने के आदेश प्राप्त हुए हैं। सोनभद्र से संवाददाता पंकज सिंह की रिपोर्ट। चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी है, वह 2016 से ही आपके यहाँ आई रही, इसके बावजूद उसको आप लोगों की तरफ से घर भेजा गया, तो घर वालों ने किसी परिस्थिति बस कहा कि जो है हम रखने में असमर्थ हैं, उसके बाद उसको दोबारा लाया गया और वह यहाँ पर काम कर रही। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी है, इस टाइम कोरोना में भी वह लगातार जुटी हुई है, लोगों के लिए मास्क बना रही हैं। तो सर क्या है, कैसे आई और इस टाइम वो कैसे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में। निशु हमारे यहाँ बाल गृह बालिका में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत है। निशु को CWC के आदेश से 2016 में आवासित कराया गया था। 2018 में जब वो वयस्क हो गई 18 साल, तो 18 साल के बाद की जो लड़कियां हैं वो आकर केयर होम में जाती हैं या स्वाधार गृह में होती हैं। हमने उसको CWC के आदेश से स्वाधार गृह में भेजवाया, किंतु उसका कहना था कि मैं स्वाधार गृह में नहीं रहूंगी, मैं घर जाऊंगी। इसके बाद उसके इच्छा अनुसार, चूंकि वयस्क थी, उसको घर भेजा गया, पर उसके पिता जो थे वो शारीरिक रूप से विकलांग थे और उनकी पत्नी नहीं थी, तो उन्होंने असमर्थता जाहिर किया कि सामाजिक संरचना को देखते हुए अगर सर इसको पुनः होम में रखा जाए तो इसके लिए ज़्यादा उचित। हमने उसको सोशल रिहैबिलिटेशन के लिए उस संस्था से अनुरोध किया जहां वो बालिका में आवासित थी कि इसको एज ए वर्कर रख लें। 2018 में उसको एज ए वर्कर चतुर्थ श्रेणी के रूप में वहां रखा गया और वहां अपने बड़े मनोयोग से उन लड़कियों को वो देखभाल करती है। साथ साथ इस महामारी में
उसकी एक जो अंदर की प्रवृत्ति थी कि कैसे हम मानवीयता को सुरक्षित रखें, कैसे मानव जाति को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे, इसके लिए उसने जिला प्रशासन को 1000 मास्क बना करके देने का वादा किया और हम लोगों ने परसों जिलाधिकारी महोदय को वो मास्क उपलब्ध कराया। 2016 में और आज उसके चार साल हो गए हमारे यहाँ आए, अक्टूबर 1 तारीख को उसका 18 पूरा हो गया और सुधार उसको ट्रांसफर CWC के आदेश पर उसको सुधार भी भेज दिया गया क्योंकि उसके पिता ले जाने को तैयार नहीं हुए, लेकिन निशु बिल्कुल वो कहीं नहीं जाना चाहती थी। उसका था कि मैम हम यही रहेंगे, हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, गांव जाने के बाद मेरा कोई लाइफ नहीं रहेगा। फिर उसके बाद निशु को फिर वापस निशु यहां आई और उसके फिर हम बात करके उसको अपने यहां ही रख लिया गया है। और रहने के दौरान जब तक निशु हमारे यहाँ आवासीय थी उसी समय सिलाई, ब्यूटिशियन और मूर्ति बनाने की कला ये सब चीज़ें उसको सिखाई गई। आज वो हम लोग का सहयोग कर रही है, मेरा सभी स्टाफ मिल के गरीब जो कोरोना वायरस महामारी फैली है उसके सहयोग में हम लोग मास्क बना रहे हैं सब लोग, और उसमें निशु का योगदान काफ़ी है। हम लोग 1000 मास्क हम लोग का है कि हम लोग 1000 मार्क्स दिया जाए, DM सर के उसमें हम लोग 1000 मार्क्स 600 दे चुके हैं, 400 देना है, 1000 दिए हैं हम लोग। कहाँ पे हैं और किस क्लास में? निशु हमारे यहाँ ही हेल्पर की पद पे है, कार्यरत है, क्योंकि भी इसका हाई स्कूल है, अगर इसका ग्रेजुएशन हो जाता है तो इसको और प्रमोशन कर दिया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.